गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट करते हैं साइंस की। कौन सी वर्कशीट है? टू। पहली वर्कशीट में क्या पढ़ा था आपने? फटाफट याद कर लेते हैं। क्या पढ़ा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कितने तरीके के होते हैं? चार तरीके के होते, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोब्स कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या जाना था? कौन कौन से चार होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे एंड प्रोटोजोआ। वायरस भी एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट वो डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं क्योंकि वो लिविंग नहीं होते, राइट। सो ना लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी हेल्प करते हैं। वैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां भी फैलाते हैं, लेकिन हेल्प कैसे करते हैं आज ये देखते हैं, ठीक है। पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि दूध से दही बनाने में जो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी काफी हेल्प कर देते हैं, है ना। तो अच्छे होते हैं, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है सब में निकम्मे मिलते हैं जो बीमारी फैला देते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण, जो बहुत ही जरूरी रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन मेकिंग मैनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पज। पर्पज क्या होता है? बहुत सारे कामों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे देखा जाए, चीज जो होता है वो इससे बनता है, बेकिंग ब्रेड, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे गली सड़ी चीजों को, मतलब गलना सड़ना ही डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। मेडिसिन को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। बिसाइड्स दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पिकल्स। अचार भी इन्हीं की वजह से बनता है। बेटर फॉर डोसा, डोसा के लिए जो वो आटा सा बनाते हैं ना, तो वो, और इडली के लिए भी। एल्कोहल भी इसी से बनता है, ठीक है। इन द एग्रीकल्चर दे यूज टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी। सोयल की फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? उपजाऊ शक्ति, ठीक है, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो एक पिंकी आस्क्ड हर टीचर, अपनी टीचर से पिंकी पूछती है, मैम यू टोल्ड अस दैट कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने मुझे बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर होती है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, ठीक है। बट माई मोम जस्ट एडेड लिटिल बिट ऑफ अ कर्ड। बट मेरी माँ तो क्या करती है, थोड़ी सी दही क्या करती है, ऐड कर देती है किसमें? रात को वॉर्म मिल्क में। एंड द सेम मिल्क टर्न इन टू कर्ड इन द मॉर्निंग, हाउ इज इट पॉसिबल? आपको पता है जब ये चीज आती है ना, कभी भी दूध दूध से दही बनाने की, मुझे खुद अपनी मम्मी की याद आ जाती है। क्योंकि क्या होता था, जब सारा दिन काम करके मम्मी जो थी 8 या 9 बजे तक थक जाती थी, तो फिर वो कई बार ऐसा होता था दही जमाना भूल जाती थी, फिर हमें बोलती थी कि उठो जाओ जाके दही डाल के आओ उसमें थोड़ा। तो आई थिंक सो कि ये सभी बच्चों के साथ हुआ होगा, सभी ने दही जरूर जमाई होगी, ठीक है। तो टीचर ने कहा ए बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टो बैसिलिस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड। एक बैक्टीरिया है, इसकी स्पेलिंग आप लोगों को मुश्किल लगती होगी, जब भी स्पेलिंग आपको मुश्किल लगे तो आप क्या करोगे? स्पेलिंग को तोड़ दोगे, लैक्टो बैसिलस, ठीक है। तो लैक्टो बैसिलस, तो इस तरीके से याद करोगे इसको, ठीक है ना। जब बड़ी स्पेलिंग हो तो उसको तोड़ देना चाहिए। इन द प्रेजेंट इन द कर्ड योर मदर एड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वॉर्म मिल्क। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया क्या होते हैं, जब उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है ना, जैसे अगर एक बीज है ऐसे ही पड़ा रहे, उसको पानी मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, धूप मिल जाए, तो वो उग जाता है। तो सेम इसी तरीके से जैसे ही इनको एनवायरनमेंट मिलता है तो ये पनपना शुरू हो जाते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं एक सुटेबल टेम्परेचर पे, एंड कन्वर्ट इन टू द, जो दूध होता है उसको कन्वर्ट मतलब बदलना, ठीक है, बदल देते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग दैट मिल्क यूज फॉर मेकिंग कर्ड शुड बी नाइदर टू हॉट नोर टू कोल्ड। ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए, बट इट शुड बी लिटिल वार्म ओनली, बस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं, आओ ऐसा होता था, पता है मुझे बहुत नींद आ रही होती थी। जैसे क्या होता था कि टीवी देखने के लिए नींद नहीं आती थी, बट जैसे मम्मी कह रही थी ना कि ये दूध है और अभी बहुत गर्म है, तो अभी इसमें मतलब दही मत डालना, क्योंकि गांव में थे तो बहुत दूध होता था और दही भी बहुत ही होता था। तो भैंसे रखना और दूध दही रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता था, तो वो मतलब मेरे को इतना वो रहता था कि क्यों ना मैं इसको अभी डाल दूँ गर्म में। तो वो गर्म में जब हम डाल देंगे ना तो फट जाएगा, दही नहीं जमेगी उसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वो चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में स्टार्टेड।
तो याद करने की कोशिश करेंगे. हाउ कर्ड इज प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब तैयार करना या बनाना. फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर टू थिंग रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत किस चीज की होती है. टू मेक द कर्ड, ठीक है. कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यू वॉन्ट मिल्क एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज रिक्वायर्ड. क्या क्या चाहिए होता है हमें, थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म होता है, हल्का गर्म, ठीक है, दूध चाहिए होता है, और थोड़ी सी दही चाहिए होती है जो उसमें डालनी होती है हमें, ठीक है. विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द कर्ड, लैक्टोबैसिलस इज फाउंड इन द कर्ड. नेक्स्ट चलते हैं, राइट एनी फोर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आप इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, ठीक है, मेक कर्ड एंड पिकल्स. पिकल क्या होता है, अचार होता है, पिकल जो होता है वो अचार. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग फूड्स, ट्रीटिंग वेस्ट वाटर. देन राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच मिल्क प्रोडक्ट मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू ईट देम, कौन सा मिल्क प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, ठीक है. आई फील हैप्पी आफ्टर ईटिंग, यहाँ पे आप अपना लिख सकते हो कोई भी, जो भी फूड प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है. आई फील हैप्पी आफ्टर ईटिंग कर्ड, आई फील हैप्पी आफ्टर ईटिंग इटसेल्फ मिल्क, ठीक है, तो वो सब लिख सकते हो, ठीक है बच्चा. तो कल का लाइव सेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया था, है ना. अच्छे से जो है क्या क्या करना है अभी आपको, एक तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना सो देट कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें. और क्योंकि वहां पे मैं जल्दी ही वीडियो पोस्ट कर देती हूँ और आपको ढूंढनी नहीं पड़ती है, आपकी सारी वीडियो मिल जाती हैं. और जो लाइव का, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि आप नोटिफिकेशन नहीं भेजते हो, तो लाइव का नोटिफिकेशन भी आपको तभी मिल जाएगा टेलीग्राम से ही. और जूम एजुकेशन लाइव पे हम लाइव क्लासेस लेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर से भी जरूर पूछ लेंगे. तो ये मेरे बारे में लिखा हुआ है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गुड.